ये सवाल है दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बिस्सा बराबर कितना वर्ग गज, 2.5 डिसमिल कितना बड़ा प्लाट, ये दूसरा सवाल है। जानते हैं एक बिस्सा, बराबर 1361.25 वर्ग फीट होता है। एक गज बराबर 3 फीट। एक वर्ग गज बराबर एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होगा। एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। तो एक वर्ग फीट बराबर, इसको देख लीजिए, एक वर्ग फीट बराबर 1/9 वर्ग गज होगा, 1/9 वर्ग गज। और इसके बराबर 0.,  इसको भाग करेंगे तो 0.11111111111, ये 1 का संख्या 10 रहता है इसमें, 0.1111, इस तरह से। अब सीधे एक बिस्सा बराबर कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ग गज में। देख लीजिए, एक बिस्सा बराबर 1/9 × 1361.25 बराबर, गुणा करके देख लीजिए, बराबर 151.25 वर्ग गज होगा। एक बिस्सा या एक काठा वर्ग फीट में यदि आप जानते हैं तो सीधे 1/9 से गुणा कर दीजिए, वर्ग गज में आंसर तुरंत प्राप्त होगा दोस्तों। और इसका प्लाट वर्ग गज में कितना बड़ा है देख लीजिए, प्लाट कितना गज लंबाई और कितना गज चौड़ाई, इसको देख लीजिए। एक बिस्सा पंद्रह दशमलव 125 गज लंबाई, और इसको यदि 3 से गुणा कर देंगे इसको तो बराबर 45.375 फीट होगा। और इसकी चौड़ाई 10 गज, इसको 3 से गुणा कर दीजिए बराबर 30 फीट चौड़ाई। एक बिस्सा का फीट में जानना कि 30 फीट चौड़ाई और 45.375 फीट लंबाई होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए 45.375 × 30 बराबर ये 1361.25 वर्ग फीट, इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब जानेंगे 2.5 डिसमिल कितना बड़ा। 2.5 डिसमिल, एक डिसमिल बराबर, आप जानते हैं एक डिसमिल, बराबर
435.6 वर्ग फीट होता है। इसको 2.5 से गुणा कर दीजिए, 2.5 कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1089 वर्ग फीट। इतना कितना लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, इतना बड़ा प्लाट है, इस तरह से बना लीजिए, ये देख लीजिए 100 फीट इस भुजा की लंबाई 100 फीट है, और 10.89 फीट चौड़ाई है। ये 2.5 डिसमिल, इस तरह से। इसको 100 फीट और इसको गुणा करेंगे तो देख लीजिए आंसर, लंबाई गुणी चौड़ाई निकाल के, 100 × 10.89 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1089 वर्ग फीट। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।